त्रिकोणमिति अनुशीलनी 4C रो ख विभाग अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 नो समाधान पाखरु आरंभ करिबा। पूर्व क्लास रे आमे क विभाग रो क्वेश्चन नंबर 1 रु 6 पर्यंत समाधान करि सारचू। आउ सेही वीडियो रो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु मिलि जिवो। वर्तमान देरी न करिके आरंभ करिबा ख विभाग रो प्रथम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नो प्रश्न अछि एठारे जे 300 मीटर उच्च एक पहाड़ उपरु एक समतल रे अवस्थित गोटिए स्तंभर शीर्ष आ पादेशर कौणिक अवनतिर परिमाण यथाक्रमे 30 डिग्री आ 60 डिग्री हेले स्तंभर उच्चता निर्णय कर। एठारे आमको गोटे पहाड़र उच्चता दिया जाइछि मात्र 300 मीटर आ पहाड़ सहित एक समतल रे अवस्थित गोटिए स्तंभ अछि से स्तंभर उच्चता दिया जाइनी केवल कहा जाइछि पहाड़ उपरु एक समतल रे अवस्थित स्तंभर शीर्ष आ पादेशर कौणिक अवनतिर परिमाण हेउछि 30 डिग्री ओ 60 डिग्री बुझियला। देखो ये हूँ आमर 300 मीटर उच्चता विशिष्ट गोटे पहाड़ ये पहाड़ सहित एक समतल रे अवस्थित अछि गोटे स्तंभ बुझियला। तो पहाड़ उपरु स्तंभर जो शीर्ष अछि ता प्रति थिबा कौणिक अवनतिर परिमाण आमको दिया जाइछि मात्र 30 डिग्री केते डिग्री 30 डिग्री बुझियला। चलो वर्तमान पहाड़ उपरु ए स्तंभर पादेश प्रति कौणिक अवनतिर परिमाण हेउछि 60 डिग्री ये हूँ आमर 60 डिग्री बुझियला। वर्तमान आमे पहाड़र जो दैर्घ्य अछि ताकु नबा ए बी आ स्तंभर जो दैर्घ्य अछि बा स्तंभर जो उच्चता अछि ताहाकु आमे नबा सी डी बुझियला। पहाड़र शीर्षरु स्तंभर शीर्ष प्रति कौणिक अवनतिर परिमाण केते दिया जाइछि 30 डिग्री एबे सी बिंदुरु समांतर भाव रे एक सरल रेखा ए बी कु एम बिंदु रे छेद करु बुझियला। वर्तमान तुमको दुईटा त्रिभुज देखा जाउछि त्रिभुज ए एम सी आउ गोटे होउछि त्रिभुज ए बी डी गोटे बड़ त्रिभुज अछि देखो त्रिभुज ए बी डी आउ गोटे सान त्रिभुज अछि त्रिभुज ए एम सी बुझियला। तो तुम्हें टिके त्रिभुज ए एम सी को लक्ष्य कर त्रिभुज ए एम सी रे एटि कौणिक अवनतिर परिमाण दिया जाइछि 30 डिग्री मुँ तुमको कही कौणिक अवनतिर परिमाण जी हम कौणिक उन्नतिर परिमाण ठीक से हम अर्थात त्रिभुज ए एम सी रि सी कोणर परिमाण हो 30 डिग्री केते डिग्री हो 30 डिग्री एबे त्रिभुज ए बी डी रे कौणिक अवनतिर परिमाण दि जा 60 डिग्री तेणु कौणिक उन्नति भी होठार 60 डिग्री माने ए डी बी कोणर परिमाण 60 डिग्री बुझीला। तो एठारे ए बी हेउची पहाड़र उच्चता दिया जाइछि ना 300 मीटर बोली एबे सी डी हेउची स्तंभर उच्चता एटा हमको दिया जाइ नाही मागीची बुझियला। देखो त्रिभुज ए बी डी रे कौणिक अवनतिर परिमाण दिया जाइछि 60 डिग्री बुझियला। त्रिभुज ए बी डी रे कौणिक अवनतिर परिमाण आमको दिया जाइछि 60 डिग्री ता माने एठारे मेजरमेंट ए डी बी बी हि जीवो 60 डिग्री बुझियला। आमे एठारे कौन करिबा ना सी एम पारालाल टू बी डी अंकन करिबा बी डी अंकन कर जहा ए बी को एम बिंदु रे छेद करिबो एम बिंदु रे छेद करिबो बस एठारे तुम त्रिभुज ए सी एम को लक्ष्य कर त्रिभुज ए सी एम रे कौणिक अवनति दि जाइछि हमको 30 डिग्री कौणिक अवनति दि जाइछि 30 डिग्री ता माने मेजरमेंट ए सी एम भी हो जीवो सही 30 डिग्री बुझियला। वर्तमान आमे कौन करिबा दुईटा जाक त्रिभुज रे टेन थीटा नहीं जीवा बुझियला। प्रथमे तुम्हें त्रिभुज ए बी डी को देख त्रिभुज ए बी डी बड़ त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी रे
टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी ए बी बाई बी डी एठी हिजबो टैन 60 डिग्री आमे पाइबा टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी जगह आमे लिखि परिबा 300 मीटर डिवाइडेड बाय बी डी जगह आमे केवल बी डी ही लिखि परिबा बुझियला एबे देखो टैन 60 डिग्री रो मान हेउची रूट 3 इज इक्वल टू 300 मीटर डिवाइडेड बाय बी डी वर्तमान आमे बी डी केमिति पाइबा बी डी इज इक्वल टू 300 बाय रूट 3 हि जीवो बुझियला ना देखो बी डी ए पाखरे हरण हेइक चार पाखु गले रूट 3 सहित गुणन हि जीवो तो बी डी इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 300 बा बी डी बाहर जीवो 300 बाय रूट 3 बुझियला तो आमे डायरेक्ट लिख दे परबा बी डी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय रूट 3 रूट 3 रे 3 को काट दियो आम पाइबा 100 रूट 3 बुझियला बी डी केते बाहर गला 100 रूट 3 एटी लिखिबा बी डी इज इक्वल टू 100 रूट 3 मीटर बी डी इज इक्वल टू 100 रूट 3 मीटर चलो ठीक अछि वर्तमान आमे देखिबा ए सानो त्रिभुज माने त्रिभुज ए एम सी कु लेख त्रिभुज ए एम सी रे टैन थीटा इज इक्वल टू ए एम बाई सी एम त्रिभुज ए एम सी रे टैन थीटा इज इक्वल टू एम बाय सी एम बुझीला तो ये आम बाहर करवा टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम केते एम रो दैर्घ्य तो आम जानू बुझीला ना तो देखो एम रो दैर्घ्य था सेमतिका डिवाइडेड बाय सी एम को देख सी एम सी एम बी डी सहित सामान हम कि नहीं कहीं ये गोटे आयत चित्र तो ये 100 रूट 3 अच्छी ये भी सही 100 रूट 3 ही हम बुझीला तो सी एम जगह तुम्हें लिखिपार 100 रूट 3 लिखि दियो 100 रूट 3 वर्तमान टैन थीटा के 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय 100 रूट 3 वर्तमान बोथ साइड रू रूट 3 को कैनसल मार 100टा आर पाक को जाइकि एक सहित गुणन हो 100 के 100 तो आम पाइबा एम इज इक्वल टू 100 मीटर बुझीला तो लेख एम इज इक्वल टू 100 मीटर तो एम बाहरी गला आमर 100 मीटर देखो टोटल आमर जो पहाड़ थिला तार उच्चता आमको दि जाइला के 300 मीटर रु एक 100 मीटर पलैला तमें बीएम दैर्घ्य केते हेबो 300 रु 100 को काटि दियो बीएम दैर्घ्य बाहर जीव तुम 200 मीटर बुझीला ना तो ये बीएम सहित किए सामान सी डी सामान सी डी हूँ तुम स्तंभर उच्चता तो स्तंभर उच्चता भी हो 200 मीटर बुझीला ना जेहेतु एठार बी डी सी एम एक आयत चित्र अटे तेणु आयत चित्र विपरीत बाहूर दैर्घ्य सामान हम बुझीला तो जेहेतु बी एम इक्वाल टू 200 मीटर आम बाहर कलु एटार सी डी दैर्घ्य भी से 200 मीटर ही बाहर बुझीला ना चलो ठीक अच्छे तुम्हें यटा को धारा दे कि लिखिपार लिख जे ए बी रेखाखंड रे एम इक्वल टू दि जाइए 100 मीटर ताल बी एम कौन बाहर बी एम बाहर ए बी माइनस एम मान 300 माइनस 100 अर्थात 200 मीटर बुझीला बी एम दैर्घ्य हो 200 मीटर तेणु बी एम सहित सी डी सामान सी डी दैर्घ्य भी से 200 मीटर ही हम अर्थात स्तंभर उच्चता आम पाईलु 200 मीटर बुझीला ना चलो ठीक अच्छे वर्तमान आम नेक्स्ट प्रश्न को जीवा माने क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा लिभे दूची देखो क्वेश्चन नंबर 8 रो प्रश्न को टिके पढ़ो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 8 रो प्रश्न अच्छी जे सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण 60 डिग्री रु 45 डिग्री को ह्रास पाइबारु एक स्तंभर छाईर दैर्घ्य 24 मीटर वृद्धि पाइला तो स्तंभर उच्चता निर्णय कर देख धरा जाऊ एठारे आमर सूर्य अच्छी आठ गोटे स्तंभ अच्छी तो स्तंभर छाई केमतिका पड़ब यह स्तंभर छाई एमती पड़ब बुझीला ये हूँ आमर ए बी स्तंभ आसी सी हूँ स्तंभर छाई बुझीला किंतु सूर्य जितेबले बुड़ापी जीव मान एठिक आसब से स्तंभर छाई टी बढ़ी बुझीला केमतिका ना सूर्य किरण एमती जीव आउ स्तंभर छाई एभली भाव में बढ़ी बुझीला
केते मीटर बढ़ी जीवो बोली कुहा है ची 24 मीटर बढ़ी जीवो बोली कुहा जाई ची बुझेला पूर्वरु स्तंभर छाई बीसी केते थिला एक कथा हमकु किछि कुहा जाईनी तो आमे मानि नबा बीसी जी इक्वल टू एक्स मीटर थिला बोली बुझेला। देखो सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण 60 डिग्री रु 45 डिग्री को ह्रास पाइची तो प्रथमे सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण थिला एठी 60 डिग्री तापर ह्रास पाइला एठी की 45 डिग्री को बुझेला स्तंभर छाई बढ़ी गला 24 मीटर। एबे आमे कौन बाहर करिबा एबे आमे स्तंभर उच्चता बाहर करिबा माने एबी बाहर करिबा बुझेला तो तुमको एठारे दुईटी समकोणी त्रिभुज देखा जाउची प्रथम त्रिभुज हेउची त्रिभुज ए बी सी एवं द्वितीय त्रिभुज हेउची त्रिभुज ए बी डी बुझेला। देख त्रिभुज ए बी सी रे आमे टैन 60 डिग्री बाहर कर दे पारिबा ए बी बाय बी सी टैन 60 डिग्री केते रूट थ्री ए बी जगह आम के लिखि पारिबा ए बी आम जानू बी सी जगह लिख एक्स बुझेला तो ए बी आमर बाहर जीव रूट थ्री इंटु एक्स रूट थ्री इंटु एक्स मीटर बुझेला। पुणी देख त्रिभुज ए बी डी को त्रिभुज ए बी डी रे टैन 45 डिग्री बाहर कर टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी टैन 45 डिग्री रो मान केते एक ए बी तो आम जानू कि ए बी जगह तुम्हें लिखि दियो एठी रूट थ्री एक्स डिवाइडेड बाय बी डी जगह केते लिखि पारिबा बी डी को देख बी डी हेउची एठारे बी सी प्लस सी डी ता माने एक्स प्लस 24 मीटर लेख एक्स प्लस 24 बर्तमान एक्स प्लस 24 से पाखे हरण हो कि आर पाक गले एक्स सहित तो गुणन हो एक्स सहित तो गुणन हेले कौन फरक पड़ो से ही एक्स प्लस 24 रहा बुझेगा तो आम पाइबा एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स बुझेगा बर्तमान ए पाखे जो प्लस एक्स अच्छे आर पाक गले माइनस एक्स हो आम पाइबा 24 इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस होते एक्स बुझेगा तो यही जगार तुम एक्स को कमन आण भितर आसब रूट थ्री माइनस वन इज इक्वाल टू 24 बुझेगा बर्तमान आम पाइबा एक्स इज इक्वाल टू 24 डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन बुझेगा बर्तमान आम पाइबा 24 डिवाइडेड बाय रूट थ्री जगार लिखिपर 1.732 माइनस वन तो आमको मिल 24 डिवाइडेड बाय 0.732 बुझेगा एक्स रान के बाहरी गला 24 डिवाइडेड बाय 0.732 एक्स होठार बी सी मान पूर्वर थी छाईर दैर्घ्य जितेबाला सूर्यर कौणिक उन्नतिर परिमाण 60 डिग्री थी से छाईर दैर्घ्य एक्स मीटर मान 24 डिवाइडेड बाय 0.732 मीटर आमको एठार छाईर दैर्घ्य बाहर करार ना आमको ए बी मान स्तंभर दैर्घ्य बाहर करने पड़ो स्तंभर दैर्घ्य केमती बाहर देख ए बी इज इक्वाल टू रूट थ्री एक्स बुझेगा तो आम एठार ए बी बाहर कर दे पारा रूट थ्री एक्स एक्स जगह आम लिखा 24 डिवाइडेड बाय 0.732 बुझेगा 24 डिवाइडेड बाय 0.732 रूट थ्री जगह लिख 1.732 इंटु 24 डिवाइडेड बाय 0.732 बुझेगा चलो बर्तमान या कैलकुलेशन करके देख के आसूची 1.732 इंटु 24 ही जीवो 41.568 डिवाइडेड बाय 0.732 आम पाइबा 56.78 एतिकी मीटर बुझेगा तो स्तंभर उच्चता है 56.78 मीटर बाहरी गला तो क्वेश्चन नंबर 8 रो समाधान सरी जाइछि वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 रो प्रश्न कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 9 रो प्रश्न अच्छी जे एक समतल भूमि उपरे 40 मीटर व्यवधान रे दुईटी खुंट भूलंब भाव में पता होइछि। देखो एक समतल भूमि उपरे एमिती दुईटी खुंट भूलंब भाव में पोता है केते दूरतार 40 मीटर दूरतार बुझेगा 40 मीटर
तापरे कौन कहा जाइछि ना गोटिए खुंटर उच्चता अन्य खुंटर उच्चतार दुई गुण ता माने ए दुईटी खुंट सम उच्चता विशिष्ट नुहंती गोटिए खुंटर उच्चता अन्य खुंटर उच्चतार दुई गुण बुझियाला तो धरा जाऊ ये हुची हमर ए बी खुंट आ ये हुची हमर सी डी खुंट बुझियाला आ बी डी मध्यरे दूरता केते 40 मीटर सी डी रो दर्घ्य रो दुई गुण हेउची ए बी रो दर्घ्य मने करो सी डी रो दर्घ्य हेउची एक्स मीटर तबे ए बी रो दर्घ्य केते हि जीवो तार दुई गुण माने 2x मीटर हि जीवो बुझियाला ना तापरे कोन कहा जाइची देखो खुंट द्वय सेमानंकर पादबिंदु द्वय को जोग करथुबा रेखाखंडर मध्यबिंदु रे जेउ कोण उत्पन्न करंती सेमाने परस्पर अनुपूरक अर्थात ए दुईटा जक खुंट सेमानंकर पादबिंदु द्वय को जोग करथुबा रेखाखंडर मध्यबिंदु रे जेउ कोण अंकन करंती सेमाने परस्पर अनुपूरक माने धरा जाउ एठी गोटे बिंदु अछि एम बिंदु तमे गोटे काम कर एम अंकन कर प्रथमे तापर सी एम अंकन कर बुझीला तो एठारे दुईटी कोण उत्पन्न हैला एई दुईटा कोण हेउचंती परस्पर अनुपूरक कोण बुझीला देखो बी डी रो दर्घ्य केते थिला 40 मीटर थिला एबे एम हेउची बी डी रो मध्यबिंदु ता माने बी एम आउ डी एम ये प्रत्येक हेइ जिबे 40 रो आधा माने 20 मीटर बी एम हेइ जिबो 20 मीटर आउ डी एम बी हेइ जिबो सही 20 मीटर बुझियाला पुणी कहा जाइछि एई दुईटा कोण परस्पर अनुपूरक कोण कहा जाइछि खुंट द्वय सेमानंकर पादबिंदु द्वय को जोग करथुबा रेखाखंडर मध्यबिंदु रे जेउ कोण उत्पन्न करंती सेमाने परस्पर अनुपूरक माने एई दुईटा कोण परस्परर अनुपूरक कोण अनुपूरक कोण माने कोण जदि दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि 90 डिग्री हबो तबे सेई दुई कोण को आमे कोण कहिबा अनुपूरक कोण बोली कहिबा देखो धरा जाऊ आमे गोटे कोणर परिमाण को थीटा नै जिबा तबे तार अनुपूरक कोण कोण हे जिवो तमे कहबो सर 90 माइनस थीटा हे जिवो हां कि ना अरे दुईटा कोण मिसी कि 90 डिग्री गोटे कोण को जदि आमे थीटा नै जिबा अन्य कोणटी कोण हे जिवो 90 माइनस थीटा हे जिवो बुझियाला एबे तमे गोटे काम कर त्रिभुज ए बी एम आउ त्रिभुज सी डी एम ए दुईटी त्रिभुज को देखो ए दुईटा जाको त्रिभुज प्रत्येक गोटे गोटे सब कोणी त्रिभुज नुहे कि तो लेख त्रिभुज ए बी एम रे आमे टैन थीटा बाहर करिबा टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी एम ए बी बाय बी एम ता माने टैन थीटा हि जीवो ए जगह रे ए बी जगह रे लेख 2x मीटर डिवाइडेड बाय बी एम जगह रे लेख 20 मीटर तो 2 दशा हि जीवो 20 आमे पाइबा टैन थीटा इज इक्वल टू x बाय 10 बुझीला टैन थीटा केते बाहरी गला एक्स बाय 10 पुणी आउ गोटे त्रिभुज अछि त्रिभुज सी डी एम एई त्रिभुज भी मध्य गोटे समकोणी त्रिभुज अटे तो लेख त्रिभुज सी डी एम रे एठी आमे बाहर करिबा टैन 90 माइनस थीटा टैन 90 माइनस थीटा कोन हि जिवो सी डी बाय डी एम सी डी बाय डी एम तुम्हें जानी जो टैन 90 माइनस थीटा रो मान के आसब कोट थीटा टैन 90 माइनस थीटा केट थीटा लिखो कोट थीटा इज इक्वल टू सी डी जगह के लिखिपर एक्स आउ डी एम जगह के 20 बुझीला एवं आम को एठी टैन थीटा अच्छी माने एठी भी टैन थीटा दरकार बुझीला ना तो कोट थीटार उल्टा हो टैन थीटा आम जानू कोट थीटा इक्वाल टू 1 बै टैन थीटा और टैन थीटा इक्वाल टू 1 बै कोट थीटा आइदर तुम या कोट थीटा कर दियो ना या टैन थीटा कर दियो बुझीला ना तो जदि आम या टैन थीटा करवा तेल कोट थीटा इक्वाल टू 1 बै टैन थीटा इज इक्वाल टू एक्स बै 20 एवं उभय पार्श्व को उल्टे दि टैन थीटा बै 1 इज इक्वाल टू 20 बै एक्स बुझीला ना हलानी बुझीला तो देखो एठी टैन थीटा बाहरी गला एक्स बाय 10 आउ एठी टैन थीटा बाहरला 20 बाय एक्स किंतु टैन थीटा तो समान ना बुझीला ना जेहेतु एमानंकर बाम पाख समान अछि तेणु डाहाण पाख मध्य समान हबो बुझीला याकुनियो इक्वेशन 1 आउ याकुनियो इक्वेशन 2 समीकरण 1 आउ 2 को तुलना कर लेख इक्वेशन 1 ओ 2 को तुलना कले
आमे पाइबा सेमानंकर बाम पाख समान अछि माने डाहाण पाख भी समान हबो माने x / 10 समान हबो 20 / x सहित लेखो x / 10 इज इक्वल टू 20 / x वर्तमान वज्र गुणन करो x रे x गुणिले x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रे 10 गुणिले 200 आउ आमे पाइबा x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 200 एठी प्लस माइनस लगेबोनी दर्घ्य आउ दूरता केबे भी तमर माइनस रे बाहरिबो नाही बुझियला तो 200 रो रूट ओवर केते बाहरिबो याकु लेखो 2 गुणन 100 रो रूट ओवर 100 रो रूट ओवर तो 10 2 रो रूट ओवर रूट 2 तो 10 रूट 2 मीटर बुझियला ना तो आमे पाई गलु x इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर ए सीडी रो दर्घ्य आमे पाइलु मात्र 10 रूट 2 मीटर एबे जदि कहिबो एबी रो दर्घ्य केते एबी स्तंभ रो दर्घ्य केते तमे कहिबो तार 2 गुण 10 रो 2 गुण हे जिवो 20 20 रूट 2 मीटर 20 रूट 2 मीटर बुझियला तो खुंट द्वयर उच्चता निर्णय करो तो खुंट द्वयर उच्चता हेउची यथाक्रमे 10 रूट 2 मीटर एवं 20 रूट 2 मीटर बुझियला तो एथि सहित हमर क्वेश्चन नंबर 9 नो समाधान सरी जाइची वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 नो प्रश्न कोन अछि वर्तमान क्वेश्चन नंबर 10 नो प्रश्न अछि जे गोटिए गछर शीर्षरु भूमि उपरे थिबा गोटिए वस्तुर कोणिक अवनतिर परिमाण 60 डिग्री थिला सही गछर शीर्षरु 1.5 मीटर तळकु ओल्हाई आसिले उक्त वस्तुर कोणिक अवनतिर परिमाण 30 डिग्री हुए तबे गछर उच्चता निर्णय करो देखो एमति गोटिए गछ अछि गछर उच्चता हमकु देइनी मने करिबा गछर उच्चता हेउची एबी बुझियला तो गछर पाददेशरु किछि दूररे गोटिए वस्तु अछि ई जगारे गछर शीर्षरु सही वस्तु प्रति कोणिक अवनतिर परिमाण दिया जाइछि मात्र 60 डिग्री बुझियला मु तुमको पूर्वरु हे कहि सारछि कोणिक अवनतिर परिमाण जहा हबो कोणिक उन्नतिर परिमाण मध्ये ई जगारे सेया हबो माने एठी भी 60 डिग्री रो कोण अंकन हबो बुझियला बीसी हेउची गछर पाददेशरु वस्तुर दूरता तो ई दूरता भी हमकु दिया जाइनी किंबा आमको गछर उच्चता भी दिया जाइनी आमको गछर उच्चता बाहर करिया पे पड़िबो कुआ जाई छि जदी आमे 1.5 मीटर तळकु खसि आसीबा गछरु 1.5 मीटर धरा जाउ एठी आमे खसि आसछे एठी आमे डी बिंदु रे आसी कि पहुचिले तो एही बिंदु रु वस्तु प्रति कोणिक उन्नतिर परिमाण केते हे जिवो 30 डिग्री कोणिक अवनति दिछि कोणिक अवनति जहा कोणिक उन्नतिर परिमाण भी सेया हबो बुझियला तो एही बिंदु रु आमे जदि वस्तु प्रति कोणिक अवनति आंकिबा ताहाले तार परिमाण हे जिवो 30 डिग्री बुझियला देखो एठरे हमकु दुईटी त्रिभुज मिली गला त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी बी सी उभय त्रिभुज हेउचंती गोटे गोटे समकोणी त्रिभुज काहे कि ना एमनकर बी कोणर परिमाण 90 डिग्री अटे बुझियला एठरे एडी हमकु देइची 1.5 मीटर आमे तळकु खसि आसछे बीडी देई नहीं बीडी रो दर्घ्य को तमे एक्स मानि नियो एक्स मीटर बुझियला एबे देखो त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज ए बी सी रे ए सी कोणर परिमाण केते हि जिवो 60 डिग्री सहित समान हि जिवो तो लेखो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी बुझियला तो टैन 60 डिग्री रो मान केते हबो रूट 3 रूट 3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी ए बी जगह रे कोन लिखिबा ए बी जगह रे लिखिबा एक्स प्लस 1.5 बुझियला ना ए बी केमती बाहरिबो बी डी प्लस ए डी बुझियला बी डी देछि एक्स मीटर आ ए डी देछि 1.5 मीटर तो ए बी जगह रे लिखो एक्स प्लस 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय बी सी बुझियला तो एठारे आमे बी सी बाहर कर दे परिबा बी सी केते आसीबो ना एक्स प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय रूट 3 चलो वर्तमान आमे द्वितीय त्रिभुज को देखिबा माने त्रिभुज डी बी सी को लेखो त्रिभुज डी बी सी रे ए सी कोणर परिमाण केते 30 डिग्री बुझियला ना कोणिक अवनतिर परिमाण जहा हबो एठी कोणिक उन्नतिर परिमाण मध्य सेया हे जिवो बुझियला तो टैन 30 डिग्री केते हबो ना बी डी बाय बी सी लेखो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाय बी सी टैन 30 डिग्री रो मान कोण 1 बाय रूट 3 लेखिबा 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू बी डी जगह लेखो एक्स आ बी सी जगह से बी सी ही लेखो एक्स बाय बी सी वर्तमान वज्र गुणन कर आमे पाइबा बी सी के बी सी इज इक्वल टू एक्स इंटु रूट 3 उभय पार्श्व को टिके लक्ष्य कर
एठारे बाम पाख सहित बाम पाख समान अछि तेणु डाण पाख सहित डाण पाख समान हबो बुझी गेला ना त आमे कोन पाइबा ना एक्स प्लस 1.5 बाय रूट 3 इज इक्वल टू एक्स रूट 3 याकु तमे इक्वेशन 1 दे दियो याकु तमे दियो इक्वेशन 2 लेखो इक्वेशन 1 ओ 2 कु तुलना कले आमे पाइबा जेहेतु सेमानकर बाम पाख सहित बाम पाख समान अछि तेणु डाहाण पाख सहित डाहाण पाख मध्य समान हबो अर्थात आमे लेखि परिबा x प्लस 1.5 बाय रूट 3 इज इक्वल टू एक्स रूट 3 बुझेला रूट 3 टा एठी तळे हरण हे कि चार पाख को गले गुणा नै जीवो तो रूट 3 इनटू रूट 3 इज इक्वल 3 आमे पाइबा x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 इनटू x बा 3x बुझेला एबे देखो x ए पाखरे प्लस हे कि चार पाख को गले माइनस हे जीवो 3x माइनस हे जीवो x 3x माइनस x केते 2x 2x इज इक्वल टू 1.5 आमे पाइबा 2x इज इक्वल टू 1.5 आउ हमर x केते आस जीवो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 1.5 रो आधा कर देले केते आस जीवो 15 रो आधा केते 7.5 0.75 आस जीवो एठी हैला तो 0.75 मीटर बुझियला तो आमे BD पाइगलु केते 0.75 मीटर किंतु हमकु AB दरकार माने गच्छर उच्चता दरकार लेखो अतएव गच्छर उच्चता AB इज इक्वल टू AD प्लस BD AD प्लस BD AD जगह आमे लिखिबा मात्र 1.5 मीटर प्लस BD जगह रे लेखो 0.75 मीटर आमु केते मिलिबो एठी 5 आसी गला 7 5 12 2 बसी 1 1 1 2 2.25 मीटर बुझियला तो ए गच्छर उच्चता हे उची 2.25 मीटर एथि सहित हमर क्वेश्चन नंबर 10 नो समाधान छरि जाइछि वर्तमान देखियो क्वेश्चन नंबर 11 नो प्रश्न को बुझियला लिभे देबी क्वेश्चन नंबर 10 नो समाधान को समस्त बुझि जाइछो चलो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 11 नो प्रश्न को टिके देखो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 11 नो प्रश्न अछि जे 10 मीटर उच्च एक स्तंभर अग्रभागरु एक समतल रे अवस्थित एक मंदिरर शीर्षर कोणिक उन्नतिर परिमाण आ पाददेशर कोणिक अवनतिर परिमाण यथा क्रमे 45 डिग्री आ 30 डिग्री होइथाय तबे मंदिरर उच्चता निर्णय कर देखो एठरे गोटिए स्तंभ अछि आ एक समतल रे गोटिए मंदिर भी अछि मंदिरर उच्चता अधिक हबो ना स्तंभर उच्चता अधिक हबो बिल्कुल ठीक मंदिरर उच्चता अधिक हबो कुआ जैछि जे स्तंभर अग्रभागरु एक समतल रे अवस्थित एक मंदिरर शीर्षर कोणिक उन्नतिर परिमाण आ पाददेशर कोणिक अवनतिर परिमाण यथाक्रमे 45 डिग्री आउ 30 डिग्री माने मंदिरर शीर्षर कोणिक उन्नतिर परिमाण हेउछि 45 डिग्री आ पाददेशर कोणिक अवनतिर परिमाण हेउछि 30 डिग्री बुझियला तो स्तंभर उच्चता हमकु दिया जैछि केते 10 मीटर दिया जैछि तो स्तंभर उच्चता को आमे धरनबा AB आ मंदिरर उच्चता को धरनबा CD बुझियला स्तंभर उच्चता हेउची 10 मीटर कुहा जैछि स्तंभर अग्रभागरु मंदिरर शीर्ष प्रति कोणिक उन्नतिर परिमाण हेउची मात्र 30 डिग्री 30 डिग्री कि 45 डिग्री दिया जैछि 45 डिग्री बुझियला तो एई कोणर परिमाण हे जीवो 45 डिग्री कोणिक उन्नतिर परिमाण केते 45 डिग्री तमे एठारे एई समांतर BD अंकन कर दियो जहाँ पड़े कि तुमको गोटे समकोणी त्रिभुज मिल जीवो CEA बुझीला एई कोणर परिमाण 90 डिग्री हबो काहेकि ना एठी D कोणर परिमाण मध्य 90 डिग्री अटे बुझीला वर्तमान देखो कुहा जाइछि जे एहार शीर्षरु मंदिरर पादेश प्रति कोणिक अवनतिर परिमाण हेउछि 30 डिग्री बुझीला तो स्तंभर शीर्षरु मंदिरर पादेश प्रति कोणिक अवनतिर परिमाण माने एई कोणर परिमाण हेउछि 30 डिग्री मु तुमको पूर्वरु ही कहि सारछि जे कोणिक अवनतिर परिमाण जहाँ हबो एठी कोणिक उन्नतिर परिमाण मध्य सेया हे जीवो माने त्रिभुज ABD रे एई D कोणर परिमाण हे जीवो 30 डिग्री बुझियला ना तो तुमको एठारे दुई गोटी समकोणी त्रिभुज देखा जाउछि कि उपरे गोटे त्रिभुज अछि एठी आ एठी गोटे त्रिभुज अछि बुझियला ना माने त्रिभुज CEA आउ त्रिभुज ABD एई दुटा त्रिभुज देखाउछि तो चलो वर्तमान आमे एठारे मंदिरर उच्चता बाहर करिबा ता पई आमे एठी बाहर करिबा त्रिभुज AEC रे tan 45 डिग्री पकेइ दियो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CAE CAE tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू CAE
ए बुझीगला। देख आउ कौन कहुई ना आमको यठार स्तंभर उच्चता दि जाइए 10 मीटर आउ तो कहार उच्चता दि जाए भितर दूरता दि जाए कि दि जाए हो छाड़ बर्तमान आम गोटे कम करवा ए को आर पाक नहीं जावा ए के एव ए इज इक्वाल टू सी आम पाइबा कौन ए इज इक्वाल टू सी ए जहाँ सी भी से बुझीगला। एबे आस त्रिभुज ए बी डी को त्रिभुज ए बी डी रे टैन 30 डिग्री पकाओ टैन 30 डिग्री इज इक्वाल टू ए बी बाई बी डी ए बी बाई बी डी बुझीगला। बर्तमान टैन 30 डिग्री जगह आम कौन लिखिपर 1/√3 इज इक्वाल टू ए बी बाई बी डी ए बी 10 मीटर आ बी डी आमको जाना ना 10 मीटर डिवाइडेड बाई बी डी बर्तमान आम पाइबा वज्र गुणन कर बी डी इज इक्वाल टू 10√3 बी डी इज इक्वाल टू के 10√3 मीटर एटि देख ए इज इक्वाल टू सी आम त्रिभुज सी ए रे बाहर करचु ए इज इक्वाल टू सी किंतु जदि आम ए बी डी ई चतुर्भुज को देखा यह एक आयत चित्र अटे कहीं यार सबुगुड़ा कोण परिमाण 90 डिग्री तो ये हूँ गोटे आयत चित्र आयत चित्र विपरीत बाहू मान दैर्घ्य सामान हम अर्थात ए सहित बी डी सामान हम बुझीला ना तो ये बी डी जगह आम ए लिखिदार आम पाइबा ए इज इक्वाल टू के 10√3 मीटर पुणी एटी दि जाइए ए जहाँ सी भी से तो यही जगह सी लिखिदार सी इज इक्वाल टू 10√3 मीटर तो आम पाइल सी इज इक्वाल टू 10√3 मीटर एवं देख ए दैर्घ्य जहाँ हम इडी दैर्घ्य भी से हम कहीं यह एक आयत चित्र आयतचित्र विपरीत बाहू मान दैर्घ्य सामान हम तो ये इडी भी हो 10 मीटर बर्तमान तुम सी डी बाहर करदे पार मंदिर उच्चता मंदिर उच्चता बाहर सी डी इज इक्वाल टू सी प्लस इडी लेख अतए मंदिर उच्चता समान सी डी इज इक्वाल टू सी प्लस इडी सी जगह कौन लिखा 10√3 इडी जगह कौन लिखा 10 बुझीगला 10 को कमन नहीं आस √3 + 1 पाइबा तो 10 × √3 जगह 1.732 + 1 के 10 × 2.732 × 10 तो 10 गोटे आग को पल 27.32 बाहर बुझीगला ना तो मुझे टिके लिभे लिखिद 27.32 मीटर तो मंदिर हाइट बाहर जीव 27.32 मीटर बुझीगला। चलो एथि सहित आम क्वेश्चन नंबर 11 रो समाधान सरी जाइछि आज क्लास को आम 8 रखा परवर्ती क्लास रे आम क्वेश्चन नंबर 12 रो समाधान पाखरु आरंभ करिबा। धन्यवाद।